फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? शाम का समय हो गया है और मैं बैठी थी इस वाले रूम में, तो मेरे हाथ में कैमरा आया तो मैंने कहा लो व्लॉगिंग शुरू कर दें। बहुत से दिन हो गए हैं और बहुत दिन क्या, 3-4 दिन हो गए हैं और मैंने किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं किया है आप लोगों को। कोई व्लॉग नहीं गया है मेरा, कोई वीडियो नहीं गया है मेरा। क्या हो गया है, क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं, ये सब चीज़ें बताऊँगी मैं आपको आगे अपने व्लॉग में। फ़िलहाल मैं इस वाले रूम में बैठी हूँ। ये वाला रूम है अर्शी का, मेरा सेकंड नंबर का रूम है जहाँ पे हम रहते हैं। ये 2 BHK है, तो एक रूम आपने देखा होगा ब्लॉग में और ये सेकंड रूम है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड्स लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं ब्लॉगिंग करने में। तो ये देखें इस तरह से, यहाँ पे मैं बता दूँ मेरे साथ हैं ये मिकी माउस है, ये है हमारा क्या है, ये डोनाल्ड है, मिकी माउस है, ये सॉरी ये मिनी माउस है, ये मिनी माउस है सॉरी, और ये है बेयर। और इसी तरह से ढेर सारे उसके टॉयज़ हैं यहाँ पे। आप देखो ये पिकाचू है, ये एक्चुअली ये टॉय चेयर होती है जो वो है, उसके सारे खिलौने मैंने पैक करके रख दिए। बहुत सारे टॉयज़ हैं उसके, तो मैंने कुछ निकाल रखे हैं क्योंकि क्लीनिंग करने में और मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। अभी शाम की क्लासेस का समय हो गया है और मैं यहाँ से जाके उसको सीधे उठाऊँगी ताकि वो क्लास अटेंड कर सके, पर मुझे नहीं लगता आज उसका कुछ मन है क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। और यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आपके साथ अगर हो जाती हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। कहते हैं ना भगवान की जैसी मर्जी, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस बात दरअसल ये है कि मेरी सोसाइटी में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी तक हम लोग बचे हुए थे। बहुत से दिन बीत गए, बहुत महीने निकल गए, हमें ऐसा लग रहा था कि शायद मेडिसिन वगैरह आ जाए और हम इसका शिकार नहीं बनेंगे, पर हमारी सोसाइटी में अभी 3-4 दिन हुए हैं, कुछ 2-3 घर ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। तो एक होता है ना यार, कहाँ से चला था ये और कहाँ हमारे बगल तक आ गया है ये सारी चीज़ें, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी वो चपेट में ले ले। और देखिए कब तक बच पाते हैं, क्योंकि जाना तो पड़ता ही है, निकलना तो पड़ता ही है अपनी बेसिक नीड्स वगैरह फुलफ़िल करने के लिए। तो बस यही है जिसकी वजह से एक दिमाग में एक उलझन, एक परेशानी सी आ गई थी और इसी की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, शूटिंग वगैरह सब बंद कर रखी थी, परेशान चल रही थी मैं। एक्चुअली मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निगेटिव आप कह सकते हैं लगी हुई हैं। और एक मिनट मैं ज़रा सा कैमरा सेट कर लूँ ताकि मैं बात कर पाऊँ। आई थिंक अभी ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे माइक लगा लिया है ताकि आप लोगों को वॉइस प्रॉब्लम ना हो। मैंने 1-2 व्लॉग्स अपने देखे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी वॉइस कट रही है या धीमी जा रही है। और यार मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि प्रिकॉशन लो और जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करो, सेफ रहो, मास्क पहनो, हैंड वॉश करो, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो प्लीज़ फॉलो करो। और अगर आप इसकी चपेट में आ जाते हो तो प्लीज़ 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 आप अथॉरिटी को इससे बताओ कि भाई हमारे पास ये, मैं पॉजिटिव हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी तो ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है ये बीमारी तो ऐसी है, किसी को भी हो सकती है और कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो हो सके तो प्लीज़ शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम और बताइए ताकि आपको हेल्प मिल सके और औरों का बचाव हो सके। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ लाइट प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने कैमरा हाथ में ही ले लिया है। आप लोग को ये लग रहा होगा कि यार काम और कोरोना दो अलग चीज़ें हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे तो आप कंटेंट क्या लाओगे, आप ब्लॉगिंग में क्या चीज़ें शेयर करोगे। मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है निगेटिव चली जाए। एक्चुअली मेरा हेल्थ इशू है कुछ, मैं आगे के ब्लॉग में बताऊंगी। अगर आप मुझे कंटिन्यू करते हो, सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, तो आप देख पाओगे कि क्या हेल्थ इशू है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी इतने स्टार्टिंग डेज पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करना, और धीरे धीरे पता चलेगा आपको कि क्या है और कैसे है। तो मुझे हर हालत में अपने आप को सेव करना है, क्योंकि अगर मैं सेव नहीं करती हूँ तो मेरे लिए कहते हैं ना वो जीने मरने वाला सवाल है,
तो वो सारी चीज़ें हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने के लिए। मेरा परिवार बहुत ज़्यादा कुछ उसने झेला है, स्पेशली मेरे बच्चे ने बहुत कुछ झेला है। एक दौर था जिसे हम क्रॉस करके आए हैं, तो उसे मैं बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाहती हूँ। और बस यही सारी चीज़ें हैं। मैं इस वाले रूम में बैठी हूँ, देखो यहाँ पे ये वाला कर्टन लगा हुआ है, हो सकता है आपको रोशनी आ रही हो व्लॉग में अगर आप देखोगे तो, शायद अगर डिस्टर्ब करता है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। मैं अपने जैसे व्लॉग्स कंटिन्यू कर रही थी, एक दो व्लॉग्स, दो तीन व्लॉग्स जो आते हैं वीक्स में वो आएंगे, और मेरे जो रेगुलर वीडियो आते हैं मेरे चैनल पे। मैंने कोई दो तीन चैनल नहीं बनाए हैं, सिंपल वन चैनल बनाया है, और इसी के अंदर मैं सारे तरह के कंटेंट शेयर करती हूँ, व्लॉग्स वगैरह शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार कि बहुत ज़्यादा चैनल आप बना लो तो आपके जो व्यूवर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता इस वाले चैनल में आपने अपडेट किया या उस वाले में। मैंने एक ही चैनल बनाया है, और फिलहाल तो एक ही बनाया है, और इसी में मैं सारी कुछ जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी व्लॉग्स हैं, वो सारे कुछ इसी में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और ऐसे ही है मेरा, मेरी सोच तो ये है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यार मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो। आप लोग क्या करते हो, देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कर दिया करो तो मुझे भी पता चलेगी कि हाँ मैं ठीक ठाक व्लॉगिंग कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉगिंग फील्ड में अभी नई हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, और कोई कमेंट वगैरह हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कोई सुझाव वगैरह हो तो ज़रूर बताइएगा। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। और चलो आज अर्शी नहीं है तो यही सब आपको बाय बाय करेंगे, बाय बाय।